हेलो दोस्तों, वायरल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं अपना एक लैपटॉप ख़रीदा हूँ तो उसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। वो है लेनोवो iPad 330 सीरीज़। ये भी फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, चल रहा था हमारा बिग बिलियन से, तो उस पर ख़रीदा था। खोला नहीं हूँ तो आके पहुँचा है, देखते हैं कैसा है क्या है। लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। होप अच्छा होगा। बिग बिलियन डे चल रहा था तो मुझे 5,000, अराउंड 5,000 के आसपास सस्ता पड़ गया। 37,000 के आसपास पड़ा ये। अभी उसका प्राइस देख रहा हूँ तो अभी 44,000 के आसपास हो गया है। ये रहा 37,490। HDFC से ख़रीदा था तो और थोड़ा कम, 1,500 का ऑफ़र मिल गया। पैकिंग भी सही किए हुए हैं, बैग नहीं ख़रीदा, बैग तो था मेरे पास। बहुत दिन से वेट किया था लैपटॉप खरीदने का, पर कंफ्यूजन था कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं। फाइनली ये मुझे पसंद आया। गाइडलाइन वगैरह दे रखा है, लेनोवो iPad 330, 151 KB टच, ये वाला खरीदा हूँ, 151 KB। वाह, सही दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है दिखने में वो बता देना। ये रहा मेरा लेनोवो आइडिया पैड, सॉरी आइडिया पैड 330 सीरीज का। मॉडल नंबर है 330151KB। इसका प्रोसेसर है इंटेल प्रोसेसर है और इस पे i5 इंटेल है 8th जनरेशन का, और इस पे 1 ईयर का वारंटी भी है। और ये स्क्रीन साइज अराउंड 15 इंच का होगा, पर ये नेट पे देखा था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे है तो मुझे अभी उस पे विंडो डालना पड़ेगा। और इसके लिए भी मैं वीडियो एक बना लूँगा कैसे विंडो डालना है। अभी ऑन करूँगा तो वो डॉस में तो है कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले कुछ डिटेल्स बता देता हूँ, इसका क्या है, कैसा था, क्या डिटेल्स है। ये रहा उसका अडाप्टर, अडाप्टर भी अच्छा लग रहा है देखने में, 20 वोल्ट। इसका डिटेल दिखाने बताने से पहले थोड़ा आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से कैसा दिख रहा है क्या है। ये देखिए, ये देखिए, कोर i5 8th जनरेशन इंटेल का, ग्राफिक प्रोसेसर है एनवीडिया जी फोर्स, और ये दे रखा है उसका लेनोवो आइडिया पैड 330। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉडी दिख रहा है मेटल जैसा, पर है नहीं, है प्लास्टिक है, और कीबोर्ड भी प्लास्टिक है। और यहाँ पे वेबकैम दे रखा है इसका,
और इस पे यूएसबी केबल है, एचडीएमआई के लिए भी दे रखा है पोर्ट, एचडीएमआई के लिए भी दे रखा है, RJ45 लैन कनेक्टिविटी के लिए भी दे रखा है, कार्ड रीडर के लिए भी दे रखा है। और ये रहा उसका पीछे का लुक, लुक तो सही लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है, आप बताना कैसे लग दिख रहा है। उसके पीछे भी कुछ डिटेल दे रखा है, इतना कुछ खास नहीं दे रखा है, बस क्या इनपुट वोल्टेज है, मॉडल नेम क्या है, वो सब है। और इसका यहाँ पे दे दो स्पीकर दे रखा है, इधर एक वन साइड राइट में, वन साइड लेफ्ट में, नीचे स्पीकर दे रखा है। और ये दो टू सेल्स इस पे यूज होता है बैटरी। चलो अब आपको इसका डिटेल क्या है क्या नहीं सब बता देता हूँ। एक बार ऑन करके चेक करता हूँ कैसा आ रहा है कैसा नहीं। आई थिंक अभी फिलहाल चार्ज नहीं है, डालता हूँ चार्जर में। चलो ये लगा दिया चार्जर, अब इसको ऑन करते हैं, ऑन हो रहा है। और इसका डिटेल बताऊँ तो ये पहले तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बता दिया, जिसको कि मुझे विंडो डालना पड़ेगा, उसके लिए आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा एक कैसे क्या करते हैं। और इसका 1 ईयर वारंटी है। और इसका ग्राफिक्स मेमोरी कार्ड GDDR5 का है, 2 GB कैपेसिटी है इसका। और i5 प्रोसेसर था इसीलिए ख़रीदा, क्योंकि थोड़ा वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में आसानी हो जाती है, हैंग नहीं होता है सिस्टम इतना। और मेन चीज़ इसका कैच मेमोरी था, चेक किया था 6 MB का अराउंड, जो कि कैच मेमोरी जितना ज़्यादा होता है सिस्टम उतना स्मूथली चलता है, तो वो ज़रूर देखना चाहिए खरीदने के टाइम। हार्ड डिस्क 1 TB का है। और प्रोसेसर स्पीड है इसका 5400 का, और ये एक्सपेंड हो सकता है इसका मेमोरी अप टू 8 GB। बस इतने सारे डिटेल्स है इसे बता दिया आपको अभी। ये तो कुछ मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चलता है कमांड में, तो मैं पहले तो एक OS चेंज करूँगा, तो उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा, तो आपको बता दूंगा कैसे अगर डॉस का सिस्टम खरीदते हैं तो कैसे। डॉस का खरीदने का एक फ़ायदा भी है कि 5-6 हज़ार कम पड़ जाता है, तो क्यों खरीदना विंडो, तो डॉस खरीद लो आप, उस पर विंडो डाल दो, स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं अब डालूँगा, जब जब क्या आज ही डालूँगा इस पर, तो दूसरा वीडियो बनाऊँगा, आपको बता दूंगा, ताकि आपको भी आसानी हो कैसे करते हैं क्या करते हैं। बस इतना सारा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। बाकी मैं तो बोलूँगा अगर ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं, ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया लग रहा है और उसका फीचर्स भी बहुत अच्छा है। दिखने में तो बहुत सारे लैपटॉप ऐसे ही अच्छे हैं, फीचर्स अच्छा है, ऐसे ही प्राइस में है, तो खरीद सकते हैं आप, मैं तो बताऊँ बोलूँगा। बाकी यूज़ करने के बाद वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, कोई दिक्कत नहीं है खरीदने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।